थाई नेवी वॉरशिप रविवार देर रात थाईलैंड की खाड़ी में डूब गया। इस पर सवार 106 में से जो है 78 नाविकों को बचा लिया गया, इनमें से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। नेवी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जानकारी दी गई है कि 28 लोग अभी भी पानी में डूबे हुए हैं, जिनके रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नेवी सस्पेंशन पैंक्रॉक मैटांड पालिन ने बताया कि वॉरशिप HTMS सुखुथाई के उस वक्त तूफान में फंस गया था जब वह बांग साफन डिस्ट्रिक्ट के पास पेट्रोलिंग कर रहा था। तेज लहरों से यह वॉरशिप 60 डिग्री तक झुक गया। इसके बाद इसमें समंदर का पानी भर गया, जिसकी वजह से पावर कट हो गया और वॉरशिप का मुख्य इंजन रुक गया। इसके बाद नेवी ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बचाव के लिए HTMS आंगथोंग, HTMS भूमिबोल, HTMS काराबुरी और 2 हेलीकॉप्टर भेजे गए। वॉरशिप के डूबने के बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की जा रही है।